Assalamu alaikum students, I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know, virus is spreading all over the world, so stay home, stay safe, enjoy the good health. Now, we start our lesson. Today, we learn the chapter number 6, Sam and the Monkeys. Open your workbook page number 11. Our chapter name is Sam and the Monkeys, Sam or Bandar. हमने स्टोरी के बारे में पहले ही रीड कर चुका है, मैं आपको फिर एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ कि सैम एक जंगल के करीब रहा करता था और वो एक दिन बहुत ज़्यादा थक गया था। वो घर वापस जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं रास्ते में थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो एक दरख्त के नीचे लेट गया, वहाँ पर कुछ मंकीज भी थे। वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और सो गया। उसने क्या किया, अपनी हैट उतार के अपने सर पर रख ली, क्योंकि सैम जो था वो हैट्स बेचता था, टोपियाँ बेचा करता था। उसने हैट एक निकाल के अपने बैग से अपने सर के नीचे रख दी और गहरी नींद सो गया। इतनी ही देर में वहाँ पे कुछ बंदर आए, उन हैट्स को देखा और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने क्या किया, वो हैट्स उतार के निकाल के सैम के बैग में से खुद पहन ली और वो दरख्तों पे झूलना शुरू कर दिया उन्होंने और इन्जॉय करना शुरू कर दिया। जब सैम सोकर उठा तो उसने देखा उसकी हैट जो है उसके बैग में नहीं। उसने मंकीज को देखा कि उसकी जितनी भी हैट्स थी वो सब उसके उनके पास थी। तो सैम को एक प्लान आया, उसके तदबीर सूझी कि क्यों ना मैं इनके साथ एक चाल चलूं। आपको तो पता है कि मंकी ज़्यादा कॉपीकैट्स, मंकीज जो होते हैं वो कॉपीकैट करते होते हैं, वो नकल उतारते हैं, जो इंसान करते हैं सेम एज इट इज़ वही करते हैं। सैम ने क्या किया, जो उसने अपने सर पे टोपी पहनी थी उसने उतारी और अपने पास जो ग्रास थी उसके अंदर फेंक दी, घास में फेंक दी। अब बंदरों ने भी उनके देखा, देखी वो टोपियाँ उतारी और वो घास पे फेंक दी। सैम ने वो सब फटाफट से कलेक्ट की, अपने बैग में डाली और सैम तो खुश था इस हरकत से, लेकिन मंकीज जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, लेकिन सैम खुश हो गया। इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी स्टोरी से रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड्स एंड टेंसेस हैं जो आज हम बनाएंगे। अब लेट्स सी स्टार्ट। और फर्स्ट वर्ड इज कॉपीकैट। कॉपीकैट मींस नकल करने वाले। एंड आवर सेंटेंस इज द मंकीज आर कॉपीकैट्स। बंदर हमेशा नकल करने वाले होते हैं। ये सेंटेंस मैंने बनाया है, आप इसी तरह के और सेंटेंस भी बना सकते हैं, लाइक द चिल्ड्रन आर हैबिचुअल कॉपीकैट्स। जो आपको इजी लगता है आप अपना अपनी मर्जी से यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, अपनी वर्कबुक पे राइट कर सकते हैं। नाउ आवर सेकंड वर्ड इज हैप्पी। हैप्पी मींस खुश। आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक इसी तरह हम इसका अनदर सेंटेंस अगर यूज करें तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि सैम ने जब अपनी वो कलेक्ट की थी टोपियां तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सैम वाज हैप्पी। आप इस सेंटेंस के बरक्स कोई भी दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, ठीक है। और लास्ट वर्ड इज हैट्स। हैट्स मींस टोपियां। तो हम सेंटेंस यहां पे यूज कर रहे हैं, दीज आर हैट्स। ये हैट्स हैं, ये टोपियां हैं। हमने जो अपनी बुक में पढ़ा था उसमें था द सैम पुट हिज हैट ऑन हिज हेड। उसने वो टोपी उठा के अपनी सर पे रख ली थी। और बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप उनको अपनी मर्जी से दूसरे सेंटेंसेस बनाएं, जो आपको इजी लगे आप वो सेंटेंस उसका बना लें। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्क। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, हमने उसके आंसर बताने हैं और लिखने हैं अपनी वर्कबुक पे। नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सैम लिव। सैम कहाँ रहता था, हम स्टोरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेयर डिड सैम लिव, सैम लिव नियर द जंगल। तो और आंसर इज नियर द जंगल। नाउ और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही सेल। वो क्या बेचता था, ये भी हमने स्टोरी में रीड किया हुआ है कि वो क्या बेचता था। सैम सोल्ड द हैट्स। सैम सोल्ड द हैट्स, वो टोपियां बेचा करता था। हु वर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वर कॉपिंग द सैम। सैम को कौन कॉपी करता था, सैम को किसने कॉपी किया था, मंकीज। क्योंकि मंकीज ही थे ना जो कॉपी कैट्स थे, मंकीज ही उसकी नकल उतारते थे। मंकीज ही वो ऐसी मखलूक है जो कि दूसरों की नकल उतारती है, जो इंसान करता है वही मंकीज भी उसको देखा देखी करते हैं। एंड द आंसर इज द मंकीज। नाउ स्टूडेंट्स योर होम असाइनमेंट इज कि आपने ये सारे क्वेश्चन के आंसर अपनी वर्कबुक पे एज इट इज